हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज रात की सभा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी रिएक्शन में बीच में, रिएक्शन के मध्यांतर में बनने वाली स्पीशी। वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कार्बोकैटायन के ऊपर और उनकी स्टेबिलिटी वगैरह चेक की थी और खूब ढेर सारे सवाल लगाए थे। आज हम बचे हुए रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन के बारे में कंप्लीट बातें करेंगे। इसके बाद एक दो इंटरमीडिएट और बचे हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये तीनों थे, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोएनायन। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। और ठंड की इस रात में अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल। तो आप कॉपी और पेन निकाल लें, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट। तो पहली हेडिंग लगाएंगे फ्री रेडिकल। प्यारे बच्चों, फ्री रेडिकल कब बनता है, यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्पीशी है CHH और यहाँ कार्बन से जो एटम लगा है, मान लो X, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बहुत क्लोज है। ऐसी कंडीशन में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दो इलेक्ट्रॉन को कोई भी अपने पास नहीं ले जा पाएगा, किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ये बराबरी से दोनों में बट जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको। इस तरह के बॉन्ड के टूटने को हम होमोलिसिस कहते हैं। होमो मतलब सेम तरह के एटम थे जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी क्लोज थी, और लिसिस मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना। तो यहाँ से हमें मिला CHH डॉट एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स डॉट एक इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट वाली स्पीशी है, इन्हीं का नाम है फ्री रेडिकल। इसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3 मिथाइल ग्रुप और फ्री रेडिकल। मैक्सिमम केस में ये जो एक्स है ये हाइड्रोजन हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के बहुत क्लोज होती है। तो यहां हमको मिलेगा H डॉट, जो कि है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो जो भी स्पीशी है उसके साथ नाम अटैच कर दीजिए फ्री रेडिकल। जैसे देखिए, ये है मिथाइल फ्री रेडिकल, जो कि वहां पे लिखा है मिथाइल फ्री रेडिकल। जैसे CH3CH2 क्या हो गया, इथाइल फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा, जैसे CH3CH2CH2 डॉट क्या बन गया, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। कब बनेंगे, जब इस कार्बन से जो एटम टूट कर बाहर गया हो, रूट कर चला गया हो, रूठे हुए हो, तो रूट के चला गया हो, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के बहुत क्लोज हो। जैसे मान लो ये दिया है CH3CH CH3 डॉट, तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। जैसे कि ये वाला मैंने आपको एग्जांपल हर बार दिया है CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, हर बार क्या, अभी एक ही बार तो पढ़ा है कार्बोकैटायन, ये मिल गया आपको। तो अगर C डबल बॉन्ड C के बगल में कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप, यानी ये हो गया अलाइल फ्री रेडिकल। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम हम दे सकते हैं फ्री रेडिकल को, डिपेंड करता है किस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है। क्लियर है, थोड़ी सी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल, थोड़ा इसको और क्लोजली जानते हैं, इससे अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल,
सर्वप्रथम बात करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखें, CHH डॉट, यानी अगर मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करें या जितने भी अल्काइल फ्री रेडिकल होंगे, जितने भी अल्काइल फ्री रेडिकल होंगे, जैसे हाइड्रोजन अल्काइल नहीं हुआ ना, जितने भी अल्काइल फ्री रेडिकल होंगे, इन सब में यदि आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बड़ी स्पेशल टाइप की स्पीशी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, केमिस्ट्री में कम मिलते हैं ऐसे लोग, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ठीक है, कम पाए जाते हैं ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। एक बड़ा ही अच्छा सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब, क्यों अत्याचार कर रहे हो इसके ऊपर भाई साहब। किसी को भी स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये स्पीशी अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहलाएगी। ध्यान दें मेरी बात पे, फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या अगर आप इसको प्यार से बोलें तो प्यार से बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन लवर, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन लवर, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लवर, इसको एक इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, इट इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात करें इसके शेप वगैरह की, तो इसके शेप की या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बातें करूं तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। आपको अगर याद हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने आपको जेड निकालने का कंसेप्ट सिखाया था, जेड होता था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और जेड की वैल्यू यदि 4 आती थी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 आती थी तो sp2 और 2 आती थी तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यही सीखा था हमने। फ्री रेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखो, CHH डॉट, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और कितने लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आधा लोन पेयर काउंट हो सकता है, मतलब जेड की वैल्यू होगी 3 प्लस आधा लोन पेयर 0.5, जेड की वैल्यू 3.5। अब 3.5 का हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड नहीं है, बहुत क्रिटिकल बात है, तो 3.5 किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है ना, तो Z की वैल्यू 3 भी हो सकती है, Z की वैल्यू 4 भी हो सकती है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.5 है, समझ में आ रहा है, 3 सिग्मा है और एक आधा लोन पेयर है इसके ऊपर। अगर Z की वैल्यू 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन इनके बीच में है, पर इसके बीच में कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि आपको अल्काइल फ्री रेडिकल दिखता है, क्या दिखता है, अल्काइल फ्री रेडिकल दिखता है, जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल वगैरह वगैरह, वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इनका शेप प्लेनर होगा, कैसा शेप होगा, प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। पर यदि आपको CF3 मिलता है, यदि आपको CCl3 मिलता है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 की तरफ टेंड करने लगेगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 की तरफ टेंड करने लगेगा, C.CF3, C.CL3, यानी इनके शेप, वैसे टेट्राहेड्रल होने चाहिए पर टेट्राहेड्रल होंगे नहीं, इनके शेप पिरामिडल होंगे, अभी धीमे धीमे समझाते हैं सब, पहले लिख लो, पिरामिडल होने लगते हैं, पहले लिख लो। तो आपसे कोई पूछता है कि क्या शेप है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक लाइन में तो आंसर आप ये दे देना, खेल खत्म। पर कोई आपसे अगर मतलब ज्यादा समझ लेना, ज्यादा आपसे बातें करता है, नहीं नहीं सच बताओ, अरे बताओ भी, अब बताओ भी कल क्या बातें हुई थी तुम लोग की, बता दो, तो इस तरह से अगर कोई पूछता है, जैसे होता नहीं दोस्त लोग पूछते, तब आप बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर अल्काइल फ्री रेडिकल है, अगर CH3 डॉट है, CH3, CH2 डॉट है, या कुछ भी है, मतलब CH3
होल थ्राइस सी डॉट है, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, कोई भी है, तब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलकर प्लेनर शेप दिखाओगे ssc sp2, तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, एक दो तीन, ये तीनों एक प्लेन में प्लेनर, और ये वो ऑर्बिटल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये तीनों एक प्लेन में और ये वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये तब तक सही है जब तक यहां पे हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, या यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां का, तब तक ये शेप सही है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, कोई दिक्कत नहीं जब तक यहां हाइड्रोजन या कार्बन दिखाई पड़ता है। यदि यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है जैसे कि फ्लोरीन, सी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये तीनों एक प्लेन में थे, ठीक है ना, और यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का इस इलेक्ट्रॉन से, सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन स्टार्ट हुआ, ये इससे रिपेल हुआ, ये भी इससे रिपेल हुआ, ये भी इससे। अब जरा इसको समझाने के बहुत तरीके, मैं अभी एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। ये तीनों इस प्लेन में है, मतलब दो ऐसे हैं, एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे और एक ऐसे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर है ऐसे डॉट, और ये तीनों इस प्लेन में है, दो ऐसे हैं, ठीक है, पीछे और एक आगे ऐसे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे ऊपर, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इन तीनों को रिपेल कर रहा है। ये जो तीनों यहाँ पे एकदम बड़े ही शांति से, एक दो ऐसे एक ऐसे, शांति से यहाँ पे इस प्लेन में रखे हुए थे, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करना स्टार्ट करेगा। रिपल्शन से क्या होगा, ये नीचे की तरफ दबना स्टार्ट करेंगे। इन तीनों को रिपेल किया, उससे क्या हुआ कि ये फ्लोरीन थोड़ा नीचे आ गया, ये वाला फ्लोरीन भी थोड़ा नीचे आ गया, और ये वाला फ्लोरीन भी थोड़ा नीचे ऐसे दब गया प्लेन के, और ये रहा हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ टेट्राहेड्रल की तरफ जाने लगा है। बेसिकली जो फाइनल स्ट्रक्चर हमको इसका ऑप्टेन होगा वो पिरामिडल होगा। कौन सा होगा? पिरामिडल। अमोनिया से कंपेयर कर सकते हो, NH3 और ऊपर एक लोन पेयर, NH3 ऊपर एक लोन पेयर। तो आपको याद रखना है कि यदि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्री रेडिकल से जुड़ा है कार्बन से, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल स्ट्रक्चर, और यदि कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर स्ट्रक्चर। और भी थ्योरीज हैं इसको समझाने के लिए, बताया जाता है कि जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो एस का कैरेक्टर गिर जाता है। देखो यहां पे एस का कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज एस कितना है 33, और यहां पे परसेंटेज एस कितना है 25%। तो ये भी बोला जाता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब सराउंडिंग में आता है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर गिराने की कोशिश करता है। सवाल आता है क्यों गिराता है, बहुत सी बातें, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर गिरेगा तो उससे रिपल्शन कम हो जाएगा। भाई एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होगा तो रिपल्शन ज्यादा कर रहा होगा। तो ये सब कहानियां हैं जिसकी वजह से आप ये समझो सी एफ थ्री एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन लेता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर को कम करना चाहता है, और हाइड्रोजन या कार्बन लगा रहा तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। तो फाइनल आंसर सर हम क्या देंगे, देखो सी एफ थ्री वाला जल्दी पूछा नहीं गया है, ठीक है, जो टेंशन लेना ही नहीं है। सर क्यों इतनी फालतू की बातें बता रहा है जरा तो बेसिकली आना यहीं से है क्या, sp2 एंड प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 एंड ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 एंड ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगी। याद है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में चीज बताई थी, जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे, यानी इनके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसमें ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। डाया को फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड से, इसको फर्क पड़ता है। डाया कब होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, और एक भी अनपेयर्ड जैसे ये वाला अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, सब तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट होते हैं। अब जितनी भी आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट है सब शॉर्ट लिव है, 10^-6 सेकंड के आसपास जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं। अच्छा सातवां पॉइंट सुनिए, कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात।
अगर दो फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे तो हो सकता हो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाए, Cl डॉट प्लस Cl डॉट मे गिव Cl2, H डॉट प्लस H डॉट मे गिव H2, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट मे गिव C2H6। तो हो सकता हो दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक न्यूट्रल स्पीशी बना दें, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं इतने पॉइंट को, आगे और बताऊं, मिटा दे। सात इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि दो फ्री रेडिकल मिलके एक न्यूट्रल स्पीशी। और इसी तरह से एक दो चीजें और बताता हूं। जैसे मान लो हमने एक न्यूट्रल स्पीशी का एक फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराया, तो होगा क्या कि यहां से एक एच बाहर निकल सकता है और ये CH3Cl बन सकता है। मतलब ये रिएक्शन ये बता रहा है, सुनना, कि एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में और फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी फ्री रेडिकल का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, खीरे को देख के खीरा, वही वाला हाल है। एक फ्री रेडिकल को देख के और भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कई बार कई मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर निकालकर एक स्टेबल फ्री रेडिकल बनने की कोशिश करता है। कई बार कई मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर निकालकर एक दूसरा फ्री रेडिकल जो कि ज्यादा स्टेबल है बनने की कोशिश करता है। क्लियर है इतनी बातें? पहले इतनी बातें लिख लें, फिर आगे आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। नोट कर लें पहले, इतना कर लिया है, पॉज करके नोट कर लें। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं, व्हेन आर दे फॉर्म्ड, है ना, व्हेन आर दे फॉर्म्ड। तो आप बोलोगे सर जब होमोलिसिस होगा, जब बॉन्ड बराबरी से टूटेगा। तो बच्चों बॉन्ड बराबरी से कब टूटता है, कब ऐसा होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन जाए, उसकी एक छोटी सी कंडीशन आपको याद रखनी है और वो है हेल्पर, 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 हेल्पर। अगर किसी रिएक्शन में हीट हो, बहुत ज्यादा हीट, 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी दी हो, किसी रिएक्शन में लाइट लिखा हो, अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट, कहीं पे अगर परोक्साइड लिखा हो या कहीं पे फ्री रेडिकल लिखा हो, रेडिकल, तो रेडिकल से रेडिकल बनता है। इन कंडीशन में फ्री रेडिकल पाया जाता है। आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट नोट कर लिया, आप जनरली क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, sp2, 3.5 आ रहा है, हम उसको 3 ही लेंगे, क्लियर। CH3 डॉट, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक छोटा सा डॉट है उसको काउंट नहीं करो, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 प्लेनर। अच्छा, हेल्पर, HELPR, इसके प्रेजेंस में बनता है। H मतलब हीट हो 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी हो, कहीं इलेक्ट्रिक आर्क लिखा हो या इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, या तो लाइट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइट। कहीं भी आपको लाइट लिखा दिखे, अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा दिखे, विजिबल लाइट लिखा दिखे, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल बनने वाला है इस सवाल में, ठीक है। कहीं पे परोक्साइड देखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परोक्साइड, कहीं पे परोक्साइड दिखे, परोक्साइड समझते हैं ये ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोई बॉन्ड दिख जाए, है ना, एरो के ऊपर ऐसी कोई स्पीशी लिखी हो, बेंजोइल परोक्साइड, ठीक है, अल्काइल परोक्साइड, कोई परोक्साइड इस एरो के ऊपर लिख दिया और रिएजेंट के फॉर्म में, तो आप समझ जाओ फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। या तो सीधा सीधा एक रेडिकल ही दिया हो, तो मैंने बोला ना रेडिकल के प्रेजेंस में और रेडिकल बनते हैं, तो ये कंडीशन है जहां पर रेडिकल बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिर बात आती है हम सिलेबस में कहां कहां फ्री रेडिकल देखेंगे, किन किन रिएक्शन में फ्री रेडिकल हम देखने वाले हैं। तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, शायद आपने नाम सुन रखा हो, हाइड्रोकार्बन, अगर आपने पढ़ लिया है, वुड्स रिएक्शन। और हमें कहां मिलेगा ये, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और कहां मिलने वाला है हमको, और ये मिलेगा आपको एंटी मार्कोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है,
एडिशन रिएक्शन का रूल होता है, तो एडिशन रिएक्शन में आपको मिलेगा बेसिकली एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोल दो, यहां मिलेगा। और ये आपको कहां मिलेगा, और आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन में मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स, ठीक है, जैसे CH4 प्लस Cl2 क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन, वहां पे रिएक्शन पूरा फ्री रेडिकल से प्रोसीड करेगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म तो बाद में समझेंगे, अभी तो फ्री रेडिकल समझे, क्लियर है। तो ये फ्री रेडिकल के बारे में बेसिक बातें हमने आपसे की, कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल और कौन सा फ्री रेडिकल कम स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के थोड़ी सी बातें आपसे करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चलिए सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला सवाल देख लें, अपना फेमस CH3CH3CH3 dot CH3CH CH3 dot CH3CH2 dot CH3 dot। आपको बताना है सबसे स्टेबल कौन, उससे कम स्टेबल कौन, उससे कम स्टेबल कौन। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करने का हमने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले रेजोनेंस का इफेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर आपको याद हो तो फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में होता है, कार्बोकेटायन में होता है और एल्कीन में होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो इसका बगल वाला कार्बन है वो बनता है अल्फा, यहां पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, इनसे जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बढ़िया अल्फा का, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। यहां पे अगर देखो तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके बगल में 3 इधर 3 इधर, तो यहां पे 6 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे देखो तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे देखो तो इससे कुछ जुड़ा ही नहीं, यानी 0 अल्फा हाइड्रोजन, इससे जुड़ा कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, फिर इसमें, फिर उसमें, इसमें 9 स्ट्रक्चर, इसमें 6 स्ट्रक्चर, इसमें 3, उसमें 0। सो ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर जो कि कार्बोकेटायन में फॉलो हुआ था। एक तरह से और इसको समझ सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, वहां से भी आंसर सेम आने वाला है। इस CH3 ग्रुप के पास है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, यानी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको अगर हर तरफ से इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्टेबल हो जाएगा, इसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिला ये कम स्टेबल हुआ, इसको एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन मिला ये उससे भी कम, और उसको कहीं से मिला नहीं, तो अब भी ऑर्डर यही है, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से। सो ऑर्डर बनेगा, ये है हमारा 3 डिग्री, ये है हमारा बोलो दो तरफ से कार्बन 2 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, इसको हम क्या बोलते थे इथाइल, और इसको क्या बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। सो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब ग्रेटर देन इथाइल ग्रेटर देन मिथाइल, क्लियर है। 3 2 1 कार्बोकेटायन भी यही था, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, सेम ऑर्डर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का ऑर्डर करीब करीब सेम होता है, 100% तो नहीं, करीब करीब सेम होता है, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे जज किए जाते हैं, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अच्छा जरा एक सवाल और देखें इसी पे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन में CH3 CH2 dot CH double bond CH2 CH3 CH2 dot CH3 dot A B C। अब हमसे कहा इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करिए कार्बन फ्री रेडिकल्स को। चलिए
पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपको मिलेगा रेजोनेंस। क्या फ्री रेडिकल रेजोनेंस करते हैं? बिल्कुल, मेरा रेजोनेंस का लेक्चर देखिए, रेजोनेंस 01 फिजिक्स वाला, मैंने बताया ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट होता है, पाई सिग्मा और सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बोलो सही बोल रहे हैं, CH2 डॉट के बगल में क्या है, तीन अल्फा हाइड्रोजन, और यहां कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले ऑर्डर में रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है? प्रॉब्लम साहब तब होती है जब हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब जरा देखो इन दोनों को कंपेयर करने को कह दिया, ये हमारा अलाइल लिक फ्री रेडिकल, ये हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। अब साहब इसमें देखो तो रेजोनेंस होगा, दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, रेजोनेंस दिखाई पड़ रहा है, पाई सिग्मा डॉट, और यहां भी रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा डॉट, पाई सिग्मा डॉट, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस। अब बात बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है यहां से, इसके ऊपर इंटरनेट पे बहुत बहस भी है इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के ऊपर, पर जो एक्सेप्टेड आंसर हमारा IIT में या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न ये है कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और इसमें कम बनेंगे। इसमें देखो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये, एक बार ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसकी बात करें तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, डॉट यहाँ पहुँचेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, डॉट यहाँ पहुँचेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, डॉट यहाँ पहुँचेगा। देखो डॉट यहाँ पहुँचेगा सबसे पहले, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, तो तीन बार डॉट यहाँ और एक बार यहाँ, यानी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपने पढ़ा होगा जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम इस पर टाइम वेस्ट ना करके एक अपनी सीरीज पढ़ लेते हैं पूरी स्टेबिलिटी की, कि सबसे स्टेबल कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। किया जाए, मिटा दें इसको। ओके चलिए हम सीरीज पढ़ते हैं पूरी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की जो सीरीज हमारी बनेगी, सबसे पहले बच्चों बनेगा C6H5 होल थ्राइस सी डॉट, ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, तीन तरफ से फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके बाद आएगा C6H5 होल ट्वाइस सी डॉट बाय फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके बाद आएगा C6H5 सी डॉट फिनाइल फ्री रेडिकल, ये होगा CH डॉट, ये हो जाएगा CH2 डॉट। इसके बाद प्यारे बच्चों आएगा CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसके बाद आएगा CH3 होल थ्राइस सी डॉट, थ्री डिग्री वाला। इसके बाद CH3 होल ट्वाइस CH डॉट, टू डिग्री वाला। इसके बाद CH3 CH2 डॉट यानी इथाइल फ्री रेडिकल। इसके बाद CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल। करीब करीब ये ऑर्डर कार्बोकेटायन जैसा ही है, सिवाय एक डिफरेंस के। क्या आपको डिफरेंस याद आ रहा है? खैर उसके बारे में बाद करते हैं। डिफरेंस पहले ये समझते हैं ये ज्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, जनरल चलते हैं। ये वाला जरा स्ट्रक्चर बनाना सी डॉट, और इससे तीन बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। और ये बनाना इससे दो बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। मैं बोल रहा हूं ये इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है और ये इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसमें बेंजीन की एक रिंग है। ठीक है, ये लास्ट वाले में CH H डॉट, ये तो बात आ रही है सबसे स्टेबल, फिर ये ऐसा क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस बाई फिनोमेना तो रेजोनेंस हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, एक बार क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डॉट यहाँ पहुँचेगा, फिर बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डॉट यहाँ पहुँचेगा, फिर बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डॉट यहाँ, यानी तीन बार इसके अंदर डॉट घूम सकता है तीन अलग अलग जगह पे। इसी तरह से यहाँ पे भी बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डॉट यहाँ, फिर बॉन्ड यहाँ, डॉट यहाँ,
फिर बॉन्ड यहाँ डॉट यहाँ, यानी इसमें भी तीन बार और इसमें भी सिमिलरली तीन जगह डॉट आएगा। तो तीन स्ट्रक्चर यहाँ से, तीन स्ट्रक्चर यहाँ से, तीन स्ट्रक्चर यहाँ से, एक ये खुद, यानी 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसकी बात करें तो तीन इधर, एक ये जो पहले से बना हुआ है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसकी बात करें तो तीन यहाँ और एक यहाँ, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज मोर स्टेबल, इस वजह से ये हुआ। इसकी बात करो तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी दिखाया था, एक ये, एक बॉन्ड इधर आएगा डॉट इधर, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा डॉट इधर। अच्छा, कार्बोकेटायन में क्या हुआ था कि ये वाली स्पीशी, कार्बोकेटायन में ये वाली स्पीशी उठकर यहां पे आ गई थी, मतलब वो बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल हो गई थी 3 डिग्री वाली, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी था और इंडक्टिव इफेक्ट भी था। यहां पे भी है पर फ्री रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कार्बोकेटायन का होता है। देखो इसमें क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो तो ये भी एक बढ़िया स्टेबल स्पीशी है, मतलब इसकी भी चर्चा होती है बहुत, है ना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही वीक स्पीशी है, इसमें भी दम है। ये स्पीशी 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, साथ में तीनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें ढकेल रहा होगा और इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है। ये भी बहुत स्टेबल है। अगर आप इंटरनेट पर एक बार खोजने बैठ जाओ कि इसमें इसमें और इसमें 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 ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपकी 6-7 रातें बीत जाएगी, आपको आंसर नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सी किताबें इसमें डिफर करती है, कोई किताब बोलती है ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, कोई किताब बोलती है ये उससे ज्यादा स्टेबल है, बट ये उससे ज्यादा स्टेबल है और ये यहीं रहेगा। मतलब बहुत से डिफरेंसेस है। जो फाइनल आंसर जो हम लोग कोचिंग में सारे टाइम से चल रहा है, जो एक स्टैंडर्ड आंसर चल रहा है, वो यही चलेगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में सवाल आएगा तो यही, खैर आपको भी पता है एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, ठीक है, आएगा तो यही मार के आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ ये तरीका नहीं होता असल में कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिसाइड कर लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन देखनी पड़ती है कंपाउंड की, है ना, बॉन्ड एनर्जी देखनी पड़ती है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा वो सबसे स्टेबल, ईजिली नहीं टूटेगा, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा, मतलब सबसे मुश्किल से बना है वो, तो बहुत सी सब चीजें देखनी पड़ती हैं। खैर एनीवेज, दिस इज द ऑर्डर, फाइनल आंसर। चले आगे बढ़े, केमिस्ट्री इतनी मतलब ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इतनी भी सिंपल नहीं होती है, क्लियर है अपना, चलेगा यही, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। जरा एक सवाल करके बताएं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। चलिए ए बी सी, स्टेबिलिटी ऑर्डर में इसको अरेंज करें, चलिए खुद से ट्राई करें, ए बी सी को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। चलिए बताएं, सबसे पहले वाले को अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है दो तरफ से मिथाइल को, इसको देखें तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, और इसको देखें तो ये भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अच्छा, इन दोनों को एक और फायदा मिल रहा है, और वो है बगल में डबल बॉन्ड के होने का, जिसकी वजह से रेजोनेंस मिलेगा। देखो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ, यानी इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो ये 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस का इफेक्ट, ये 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस का इफेक्ट। अब देखो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है और रेजोनेंस का इफेक्ट दोनों में एकदम सेम है, अलाइलिक है ग्रुप, ध्यान से देखो तो अलाइलिक है, देखो ये अलाइल हुआ ना, इसके बगल वाले कार्बन पे डॉट, डबल बॉन्ड के बगल वाले, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन डॉट, दोनों अलाइलिक हैं। अब इसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम, और इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये सिर्फ 2 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा बी 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, उसके बाद सी 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, उसके बाद ए ओनली 2 डिग्री। क्लियर है, आ गया, आसान है, मिटा दे, ओके, सिंपल था, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखें जरा, सी एच टू डॉट सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, चलिए ए बी सी
इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। आसान सवाल है, पहला वाला ध्यान से देखो, टुडुम टुडुम क्या हो रहा है, रेजोनेंस। दूसरा वाला ध्यान से देखो, ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री, और साथ में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस, 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस। और ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, ध्यान से देखो, CH2 डॉट, एक कार्बन जुड़ा। लास्ट वाले की बात करें तो क्या मिल रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट प्लस IV, है ना। CH3 इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और ये स्टेबल हो जाएगा। खैर, सबसे बड़ा इफेक्ट इनमें से रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी, ये 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस है, ये 3 डिग्री के साथ, तो सबसे स्टेबल बी, फिर ए और लास्ट में सी। क्लियर है, क्लियर है ना, तो जरूरी थोड़ी ना इसी का सवाल है, थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा अंदर फंसाएगा, थोड़ा सा बात बनाएगा, है ना, आपसे आंसर तब पूछा जाएगा। जैसे मान लो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा के आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं, ये बेंजीन रिंग CH2 डॉट ए, आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कार्बोकेटाइन का आप लेक्चर अगर देख के आए हो तो ज्यादा मजा आए। CH2 डॉट, और यहां पे हम लगा दें मान लीजिए NO2, ये हो गया बी, और CH2 डॉट, और यहां पे हम लगा दें CH3 और CH2 डॉट, और यहां पे हम लगा दें OH, ABCD। चलिए ट्राई करिए, अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे कम स्टेबल कौन, ट्राई करेंगे खुद से, चलिए ट्राई करेंगे खुद से। हाँ चलिए बात करते हैं, पहले वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रल, मतलब रिंग का इफेक्ट तो है ही है सब में, वो रेजोनेंस तो हो ही रहा है, यहां ग्रुप की वजह से इफेक्ट आएगा ना। अगर हम बात करें NO2 की, तो प्यारे बच्चों NO2 माइनस M इफेक्ट देता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो भी रेजोनेंस की वजह से। अगर CH2 डॉट से कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो उदास हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चाहता है और तुम उसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, मतलब ये इसको अनस्टेबल करेगा। साथ में नाइट्रोजन के होने की वजह से -I इफेक्ट भी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों तरह से ये स्पीशी कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम इसी से खींचने लगे। CH3 की बात करें, इसको हम बनाएं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये देखो डबल बॉन्ड एल्कीन के बगल वाले कार्बन पे है हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में भी होता है, तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा। आप बोलोगे स्टेबल कैसे होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यहां से H+ निकलता है, H+ हाइपर कॉन्जुगेशन में यही तो होता था कि अल्फा हाइड्रोजन जितने हो, 3 अल्फा, यहां से H+ निकलेगा और इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाएगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन तरह से, 3 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 तरह से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, आप इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो, तो ये स्पीशी को स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी बात करें OH ग्रुप की, तो प्यारे बच्चों OH के पास लोन पेयर है, तो ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, और कौन सा मेसोमेरिक दिखाएगा, ये प्लस M, यानी रेजोनेंस का ही इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस है, ये कौन सा इफेक्ट है मेसोमेरिक, रेजोनेंस, और ये भी रेजोनेंस, तो यहां पे रेजोनेंस होगा, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो CH2 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और ये स्पीशी भी स्टेबलाइज हो जाएगी। थोड़ी सी एक छोटी सी बात ये है कि OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे -I इफेक्ट भी होगा, पर वो बहुत कम होता है। जब भी I और M टकराएं तो 99% केस में M को हम ध्यान देते हैं, I को नहीं। ठीक है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, पर खैर। अब बात करें यहाँ पे, ये तो अनस्टेबल है, तो सबसे कम स्टेबल ये हो गया, तो लास्ट में बी चला गया। ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये न्यूट्रल है, तो बी के बाद ए आया। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये स्टेबल हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये स्टेबल हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस की वजह से, तो रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया डी, इसके बाद सी, उसके बाद ए न्यूट्रल, उसके बाद बी अनस्टेबल, बी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, रेजोनेंस हो रहा है पर रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबल,
मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। क्लियर है, इस तरह के सवाल कर लेंगे आप पक्का, मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया, आपने ये चीज अगर समझ ली तो बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे कार्बोएनायन की, ठीक है। फ्री रेडिकल यहीं पे खत्म करते हैं, और कुछ है नहीं, बस मैं सवाल कराता रहूं कार्बोएनायन की। कार्बोएनायन तो कार्बन विथ अ नेगेटिव चार्ज इज कार्बोएनायन, एनायन लिखा हुआ है, कार्बन विथ अ नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा। मान लो यहां पे सी एच 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 और वाई, कार्बन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कार्बन मौका देखकर दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, यहां से निकल जाएगा y प्लस और बन जाएगा सी एच एच एच, और कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन भी ये भी दोनों आ गए। इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोएनायन, और इसी तरह से इथाइल कार्बोएनायन, प्रोपाइल कार्बोएनायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोएनायन, अलाइल कार्बोएनायन। अलाइल कार्बोएनायन जरा बनाओ, अलाइल कार्बोएनायन सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये क्या बन गया अलाइल कार्बोएनायन, ठीक है। इथाइल कार्बोएनायन बताओ, इथाइल सी एच थ्री सी एच टू माइनस इथाइल कार्बोएनायन, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से इनका नाम भी रखा जाता है प्रोपाइल कार्बोएनायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोएनायन। चलो बताओ टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, टर्शरी मतलब थ्री डिग्री का हो, उसमें एक ये थ्री डिग्री हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोएनायन, क्लियर है। तो इस तरह से कार्बोएनायन के अलग अलग नाम दे सकते हैं, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, क्लियर है कार्बोएनायन कहानी। चलो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोएनायन की। कार्बोएनायन समझ में आ रहा है, बना लोगे, बहुत बढ़िया। देखो जितनी कहानी कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल में लगाई, कार्बोएनायन में उसका उल्टा उल्टा होगा जब स्टेबिलिटी की बात आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो भी समझ में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक अभी क्लियर हो जाएगा। चलो पहली बात, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, आओ देखो जरा, सी एच 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 माइनस, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और सामने वाले का लूट के ले आया ये, तो आठ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है, ये भी अनस्टेबल है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, शेयर करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है। ऐसी स्पीशी को हम केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियस की लवर, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस की लवर। भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसे किससे प्यार होगा, पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर, यानी इसे न्यूक्लियस से प्यार हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल। तो यही मैं बोल रहा हूं, इसके पहले आपने कार्बोकेटायन पढ़ रखा है, फ्री रेडिकल पढ़ रखा है, और दोनों के दोनों क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, ये अकेला न्यूक्लियोफाइल है, बस इतना ही डिफरेंस होगा। सेकेंड स्टेप में इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात कर लें, शेप वगैरह की। अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालोगे, जेड की वैल्यू देखो, सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन और एक लोन पेयर, तीन सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, क्या आएगा चार, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी थ्री, सही है, तीन सिग्मा एक लोन। अगर मैं पूछूं इसका शेप क्या है बच्चों, तो क्या इसका शेप sp3 की वजह से टेट्राहेड्रल आएगा, नहीं आएगा। जरा याद करो, अमोनिया NH3, तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, अमोनिया का शेप याद है पिरामिडल, याद आया NH3 का शेप एन एच 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 VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। इस तरह से यहां पे भी देखो, तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है,
होना टेट्राहेड्रल चाहिए था, बट क्योंकि लोन पेयर बहुत रिपल्शन करेगा तो शेप इसका भी पिरामिडल बन जाएगा, जस्ट लाइक NH3। ध्यान से, सी एच 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 पिरामिडल शेप। कार्बोकेटायन कैसा था? ट्रायंगुलर प्लेनर। फ्री रेडिकल कैसा था? ट्रायंगुलर प्लेनर। दोनों, फिर से, कार्बोकेटायन ट्रायंगुलर प्लेनर, फ्री रेडिकल ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये पिरामिडल इन शेप। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अगर हम बोले कि ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक क्यों भाई? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं इसमें? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर हम बात करें ये किस तरह के रिएक्शन में दिखाई देगा, तो बेसिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी फेमस रिएक्शन, कैनिजारो कंडेंसेशन, ये सब ट्वेल्थ की आपको केमिस्ट्री में मिलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर के अंदर, और परकिन कंडेंसेशन, यहां पे ये सबसे ज्यादा पढ़ाया जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, आपको कार्बोएनायन का जो सबसे फेमस रिएक्शन, जो एग्जाम में आता ही आता है, हर एग्जाम में एक सवाल जरूर इन तीन में से बनता है। आप जेई के नीचे देखिएगा, जेई का जहां पे पेपर में सिलेबस लिखा होता है, जेई का वहां पे आप देखिएगा सिलेबस में साफ साफ लिखा होता है एल्डोल कैनिजारो परकिन, और नेम रिएक्शन में यहां से सवाल आना ही आना होता है, तो कार्बोएनायन पे एक सवाल मिलेगा। क्लियर है? मिटार दें, यहां तक बात समझ में आ गई। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, न्यूक्लियस से प्यार होगा इसको, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन से प्यार था इसको न्यूक्लियस से। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका शेप पिरामिडल, उन दोनों का शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, ये डायमैग्नेटिक, कार्बोकेटायन भी डायमैग्नेटिक होती है, 6 इलेक्ट्रॉन, और फ्री रेडिकल होता है पैरामैग्नेटिक। चलिए, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब इसके बाद हमें वही बात करनी है कार्बोएनायन में भी, क्या इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में ऑर्डर वही फॉलो होगा, सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। चलिए, सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ले लिया जाए, CH3 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 माइनस 3 डिग्री कार्बोएनायन, CH3 CH CH3 माइनस 2 डिग्री कार्बोएनायन, CH3 CH2 माइनस इथाइल कार्बोएनायन, CH3 माइनस मिथाइल कार्बोएनायन। अब बच्चों एक बात सुनो कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता था, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, क्योंकि उन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता था। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। कार्बोएनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नॉर्मली नहीं होता, एक स्पेशल केस में होता है जो यहां नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं होता कार्बोएनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मत कहना 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा तो 9 अल्फा हाइड्रोजन से ये स्टेबल, ना, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, कहीं कोई कंजुगेशन दिख रहा है पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर, कोई कंजुगेशन नहीं, ना ही ये इफेक्ट है ना ही ये इफेक्ट। अब बचा इंडक्टिव, इंडक्टिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन चाहता है? नहीं, ये तो न्यूक्लियस लवर है, पॉजिटिव चार्ज चाहता था, आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कैसा हो गया? अनस्टेबल। इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, ये कैसा रहेगा? स्टेबल। इसको एक ने दिया, अनस्टेबल। इसको दो ने दिया, अनस्टेबल। इसको तीन ने दे दिया, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, आपने उसको इलेक्ट्रॉन और दे दिया, मोस्ट अनस्टेबल ये वाला। यानी कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल था, कार्बोनायन में सबसे कम स्टेबल, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री फिर मिथाइल, मिथाइल कार्बोनायन इज मोस्ट स्टेबल, देन इथाइल, देन आइसोप्रोपाइल, देन टर्शरी ब्यूटाइल।
यहाँ उल्टा ऑर्डर है, 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. कार्बोकेटायन ऑफ फ्रीडिकल में, कार्बोकेटायन फ्रीडिकल में 3 degree 2 degree 1 degree हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता. इंडक्टिव इफेक्ट से सोचो, बहुत क्लियर है, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा दिए, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, खेल खत्म. क्लियर है? अगर तीनों को आप इंडक्टिव इफेक्ट से सोचोगे आंसर सही बताओगे, अगर तीनों को इंडक्टिव इफेक्ट से सोचोगे तो आंसर एकदम सही बताओगे. क्लियर है? जबकि होता है हाइपर कॉन्जुगेशन उन दोनों में, यहां नहीं होता, पर अगर इंडक्टिव सोच के भी आंसर दोगे तो सही. अच्छा, जरा एक और आंसर बताएं, सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री सी एच माइनस सी एच थ्री सी एच थ्री माइनस ए बी सी. हमसे पूछा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए कार्बो एनायन की. पहले वाले में देखो रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. दूसरे वाले में देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता, कार्बो एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता. पूछोगे क्यों भाई? इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, चलो मैं बताता हूँ क्यों. इसके रिस्पेक्ट में ये तीन अल्फा है, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस. अब ये माइनस सिग्मा बॉन्ड माइनस क्या क्या बॉन्ड बनेगा? क्या नहीं बनेगा? अरे यार समझे नहीं. इसके रिस्पेक्ट में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एच प्लस निकला तो क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन. एच प्लस निकला तो क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन और बगल में इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन हो जाएगा. सोचो यहाँ पे प्लस होता तब मस्त सिचुएशन होती, एच प्लस निकलता यहाँ से मिलते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बना लेते, समझ लो. प्लस होता तो यहां से H प्लस निकलने पे इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते, पर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन के आने का कोई फायदा नहीं. कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता. हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये जो CH3 दिखाई पड़ रहा है इसको मैं ऐसे लिख लूं, यहां से H प्लस निकलता और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते इस जगह पे, अगर यहां प्लस चार्ज होता. नेगेटिव में क्यों आएंगे? क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाए. और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको हम न्यूट्रल बोल दें. तो सबसे स्टेबल कौन है? ए, उसके बाद न्यूट्रल ले लें, उसके बाद बी ले लें, बिकॉज बी इज अनस्टेबल. दिखाई पड़ रहा है, राइटिंग समझ में आ रही है? रात का समय झूमे चंद्रमा, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी होने लगी. क्लियर है? दूसरा वाला प्लस आई की वजह से अनस्टेबल और तीसरा वाला न्यूट्रल की वजह से सेकेंड नंबर पर आ गया. क्लियर? तो इसमें भी हम एक जनरल ऑर्डर लिख लेते हैं. चलिए जनरल ऑर्डर, पहले एक सवाल और कर लो प्यारा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी. ये मैंने कार्बोकेटायन में भी कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट. सी एच थ्री सी एच टू माइनस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस. सबसे स्टेबल कार्बो एनायन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा पाई बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल. ये सबसे स्टेबल, फिर ये रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. समझो यहां के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp, पता है ना? सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का sp2 आता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp. अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ रहा है. यहाँ कितना S है? 33%. यहाँ कितना S है? नहीं, यहाँ तो 25% है, वेरी सॉरी. यहाँ कितना S है? 25%. यहाँ कितना S है? 33%. यहाँ कितना S है? 50%. इसमें 25% S है, 75% P, 33% S, 66% P, 50% S, 50%. जितना ज़्यादा S कैरेक्टर बनेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. जितना ज़्यादा S कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होती है. न्यूक्लियस के क्लोज होती है तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा खींच सकता है. s इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू p. इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. s न्यूक्लियस क्लोज होती है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है. अब सुनो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा. ये बात मैं आपको शायद इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर से ही सिखाता आ रहा हूँ या रेजोनेंस से तो सिखाता ही आया हूँगा.
है ना, जब हमने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबल, और यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो तो अनस्टेबल। यहां नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। अभी यहीं पे प्लस लिखा होता है यानी कार्बोकेटायन की कहानी होती तो उल्टा ऑर्डर हो जाता। दिखाया अभी था कार्बोकेटायन में ये ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ये क्लियर। तो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल, और नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल, बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है। यहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत खराब स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इन तीनों में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2, उसका sp, जितना ज्यादा s करेक्ट है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए अब हम लोग जनरल ऑर्डर बना लेते हैं, जनरल ऑर्डर बना लेते हैं स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले C6H5 होल थ्राइस C-, रीजन वही है रेजोनेंस, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद C6H5 होल ट्वाइस CH-, इसके बाद C6H5 CH2-। इन तीनों में आपको कुछ समझाना तो नहीं पड़ेगा, एक बता देते हैं बस। ध्यान देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो एक बार तो इस रिंग के अंदर जाएगा ये, यहां पे बॉन्ड आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां यहां पे बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहां यहां पे बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहां ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। इसी तरह से इसके अंदर यहां से बॉन्ड यहां गया, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर यहां बॉन्ड गया, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर यहां बॉन्ड गया नेगेटिव। इस तरह से इस वाली रिंग में, तो तीनों रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमेगा, तीन पोजिशन पे, यहां तीन, यहां तीन, यहां और एक यहां खुद, यानी 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें दो ही रिंग है, एक रिंग में तीन, एक रिंग में तीन और एक ये, यानी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें एक ही रिंग है तो एक रिंग में तीन और एक इक्वल स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तो सिंपल रेजोनेंस के बेसिस पे मैंने बताया, क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा CH2-CH2 अलाइलिक, अलाइलिक और इसकी स्टेबिलिटी करीब करीब क्लोज, पर वो ज्यादा स्टेबल है, उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बॉन्ड यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां। इसके बाद 3 डिग्री नहीं आएगा, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में 3 डिग्री और 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता था, 3 > 2 > 1, पर यहां नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? इसमें ना रेजोनेंस है ना हाइपोक्सिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और इसमें आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री > 2 डिग्री। याद रखना कार्बोएनायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री > 2 डिग्री > 3 डिग्री, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में 3 2 1। तो यहां पे पहले आएगा CH3-, इसके बाद आएगा CH3-CH2-, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हुआ। इसके बाद आएगा CH3-CH3-। देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑलरेडी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसको और इलेक्ट्रॉन दोगे अनस्टेबल। यहां दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा अनस्टेबल, और सबसे कम स्टेबल होगा CH3-CH3-CH3-। तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको आप दे रहे हो, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है। यहां उल्टा हो गया ऑर्डर, 1 डिग्री > 2 डिग्री > 3 डिग्री। बाकी बेंजाइल वाला सेम है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, अलाइल वाला सेम है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोएनायन। बाकी ग्रुप वगैरह लगा के भी कहानी आप कर सकते हो, ग्रुप वगैरह लगा के भी कहानी आप कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? अच्छा चलिए एक दो क्वेश्चन देख लें इसके भी, चलिए देख लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं पर रैप अप करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जरा देखें,
चलिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बताएं बताएं। अगर ध्यान से देखो तो रेजोनेंस तो तीनों में हो रहा है, ये भी अलाइलिक कार्बोएनाइन पाई बॉन्ड के बगल में कार्बोएनाइन, पाई बॉन्ड के बगल में कार्बोएनाइन, पाई बॉन्ड के बगल में कार्बोएनाइन, यानी रेजोनेंस 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 तीनों में बराबर का हो रहा है। दो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, पाई बॉन्ड यहां जाएगा नेगेटिव यहां, पाई बॉन्ड यहां जाएगा नेगेटिव यहां, पाई बॉन्ड यहां जाएगा नेगेटिव यहां। रेजोनेंस तो तीनों में सेम, अलाइलिक 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 तीनों, ठीक है। अब बात आती है डिग्री की, ये है मेरा 2 डिग्री, ये है मेरा 1 डिग्री और ये है मेरा 3 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है कार्बन आयन में? 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो आंसर विल बी बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। गलती मत करना, वहां 3 डिग्री देख के लालच आ गया, वो कार्बो केटायन ऑफ फ्री रेडिकल में होता है, कार्बो आयन में नहीं। यहां भी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना, इधर से इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अनस्टेबल हो गया। रेजोनेंस स्टेबल हुआ, ये रेजोनेंस स्टेबल हुआ, ये रेजोनेंस स्टेबल हुआ, इसकी वजह से अनस्टेबल, वो मोस्ट अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ये सबसे स्टेबल। तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। क्लियर है? क्लियर है? याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। बच्चा गलती कर जाता है, तुरंत 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कर देता है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, अच्छा सवाल। चलिए इन सब को आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करिए, ए बी सी डी ई एफ जी, जितना अभी तक आपने पढ़ा सारे कंसेप्ट लग जाएंगे। रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, कार्बोकेटायन में जितने सवाल किए, कार्बोनायन में सारे, इंडक्टिव इफेक्ट, सब लग जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप ट्राई करोगे इसको पॉज करके, एक बार आप ट्राई करो। पहले मैंने एक सवाल ले लिया जिसमें सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गए, एक बार आप ट्राई कर लो। चलिए पॉज करके ट्राई कर लिया, ओके। पहले वाले में कोई ग्रुप नहीं है तो ये तो न्यूट्रल है, कहीं बीच में होगा। दूसरे वाले में NO2 लगा है जो कि माइनस एम दिखाता है और माइनस आई दिखाता है, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। माइनस एम मतलब रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा, माइनस आई मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से खींचेगा, और सी एच टू माइनस चाहता ही है कि उसके इलेक्ट्रॉन खींचा जाए भाई, तभी तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन कम होंगे और ये स्टेबल होगा, मतलब ये तो स्टेबलाइज कर रहा है। सी एच ओ देखा जाए तो माइनस एम ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, यानी ये भी रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। OH को देखा जाए तो इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, ये प्लस M इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अनस्टेबल करेगा। OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस M इफेक्ट से, यानी ये भी अनस्टेबल करेगा। CH3 की बात करें तो CH3 यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, देखो पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, एच प्लस निकलेगा इलेक्ट्रॉन रिंग में भेजेगा, एच प्लस निकलेगा इलेक्ट्रॉन रिंग में भेजेगा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये भी अनस्टेबल कर रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। एच प्लस निकला इलेक्ट्रॉन गए और इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन।
क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर तो हैं, तो ये प्लस एम तो दिखा सकता है, पर ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से माइनस आई भी दिखाता है और हैलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो इसको काट दिया। हैलोजन एक पर्टिकुलर केस है जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है मेसोमेरिक के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता था पर माइनस आई से खींच लेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये खुश हो जाएगा, यानी ये भी स्टेबिलाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो उनको उठाओ जो स्टेबिलाइज कर रहे हैं, बी सी जी। अब बी स्टेबिलाइज कर रहा है मेसोमेरिक और इंडक्टिव से, मेसोमेरिक और इंडक्टिव से, ये सिर्फ इंडक्टिव से। तो भाई मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट बड़ा होता है, यानी पहले बी और सी में से कुछ आएगा, ठीक है। अब बी और सी में कैसे डिसाइड करोगे, तो NO2 ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट CHO से ज्यादा होता है, NO2 का सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद जी, और उसके बाद ले लो ए, क्योंकि ए न्यूट्रल कर रहा है, बी सी जी ए, क्लियर है, क्योंकि उसके सिवा तीनों अनस्टेबल कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, ये सबसे कम अनस्टेबल करेगा, क्योंकि ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से अनस्टेबल कर रहा, ये दोनों बहुत अनस्टेबल करेंगे रेजोनेंस की वजह से, ये सबसे कम। तो इसके बाद आ गया एफ। अब इन दोनों में से ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट किसके पास है, OH के पास है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मोस्ट अनस्टेबल, ये सबसे पीछे चला गया डी और बीच में आ गया ए। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप पूरी सीरीज सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। चलिए तो यहीं पे आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, अब अगला लेक्चर आएगा कार्बीन नाइट्रीन और बेंजाइन इंटरमीडिएट में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।